हेलो गाइस, स्वागत है जी आपका। कोई भी हम बात करें एलुश यादव फुगरा इंसान में, तो आप सभी को पता होगा एलुश यादव प्ले ग्राउंड सीजन 3 में गए हुए हैं। तो वहां पर भी अब एंड्रॉयड थे फुगरा इंसान के, तो एक दूसरे को ट्रोल और रोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और आप किसके फेवरेट फैन है, एलुश यादव या फुगरा इंसान, कमेंट करके जो बताओ। चलो हम बात करते हैं एलुश यादव जो फुगरा इंसान से कहते प्ले ग्राउंड सीजन में एंट्री करते कि तू यहाँ कैसे आ गया। तो कहता है पूरा इंसान कहते कि एंटरटेनमेंट की कमी हो रही तो मैं इसलिए आ गया। और बहुत सारी चीज़ों बातें करते हैं, आपने उनके शो में जाके लाइव में देख ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं एलुश यादव, तो एलुश यादव के बारे में पूरा इंसान कहता है कि इसी गेमिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है एलुश यादव के को। तो वहाँ पर एलुश यादव रिप्लाई देते हुए फनी में या रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ, हमें तो गेमिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी हम जीत जाते हैं। तो ऐसे एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं। तो आप एलुश यादव को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट करके जो बताए। तो आप बता दें एलुश यादव को आज नागपुर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ था। और आपको बताओ उनके स्वागत में बहुत सारी गाड़ियाँ भी गई हुई थी। तो आप इस चीज़ को लेकर भी क्या कहते हैं, कमेंट करके जो बताए। और आपको बता दें फुकरा इंसान के एंटर होने पर भी बहुत सारे उनके फैन वहाँ पर भी शोर मचाने लग गए थे जैसे प्ले ग्राउंड सीजन में। तो आप सभी पता वो उछलने लग गए थे क्योंकि देख कर खुश हुए थे उनके फैन। तो आप इस चीज़ को लेकर भी क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, अब हम बात करते हैं मनीष हिरानी के बारे में। तो मनीष हिरानी जब एक मीडिया वालों ने पूछा कि आप एलुश यादव के लिए कौन फेक है इसे भी लाइक और यूज के लिए करते, तो उन्होंने रिप्लाई दी, उन्होंने कहा नहीं, मैं हम किसी को लाइक और कमेंट के लिए नहीं करते। हम जो 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 मेहनत करते हैं, जो हम डालते हैं वो फेमस हो जाता है। वो जो मेहनत कर आगे जाकर आगे बढ़ता है और वही फेमस होता है। जो लाइक और इनके जो मेहनत नहीं करता वो कंट्रोवर्सी करता है, वो आगे जाकर एकदम नीचे आ जाता है, ऐसा उन्होंने मनीष हिरानी ने कहा है। तो आप इस चीज़ को लेकर भी क्या कहना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताए। चलो हम बात करते हैं एलुश यादव, तो एलुश यादव का एक इंटरव्यू। तो अब हम बात करते हैं ठगेस और यूको जोसन राइडर के बारे में। तो आपसे यूको जोसन राइडर ठगेस से मिले, तो उनका लपड़ा टू सीजन टू आने वाला है। तो अनुराग डोबलिया यूको जोसन राइडर के साथ ही आने वाला है। उन्होंने बताया कि वो बहुत सारी बिग कॉन्ट्रोवर्सियों के बारे में बात की और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सियों को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो आपको पता लगे जब वो शो रिलीज होगा या शो को आएगा। तो आप बता दें पहले सीजन में उनको रजत दलाल के साथ बहुत ही अच्छा देखने को मिला था, सो उनके 4 मिले प्लस व्यूज भी कम्प्लीट हो चुके हैं। तो और आपको बता दें ठगेस और यूको जोसन राइडर का एक और वीडियो आ रहा है जहाँ पर वो अपने ना किसी टीम मेंबर के नंबर दिखाते हैं। तो उस पर बहुत सारे कहते हैं क्योंकि उनको दिक्कत हो सके आप किसी भी टीम मेंबर किसी कमेंट आ रहे हो यूको जोसन राइडर के ब्लॉग में। तो आप इस चीज़ को लेकर भी क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताए। चलो हम बात करते हैं यूको जोसन ठगेस के बारे में। तो ठगेस ने एक वीडियो अपलोड किया था उनके चैनल पर जहाँ पर ध्रुव राठी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी की वीडियो में आपको पता सबसे बड़ा वीडियो उन्हें बनाया था मोदी और पॉलिटेक्निक ऊपर। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनकी हाय मोदी को तो पहले ही सब जानते हैं, किसी और ऊपर बनाते तो ऐसा। उन्होंने कहा कि आप सब बताए ध्रुव राठी ने भी बहुत सारे नेताओं के वीडियो बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर भी क्या कहते हैं, तो कमेंट करके भी। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने से कहा कि आप इंटरली मिले तो उन्होंने दिल्ली की रील डाल दी ध्रुव राठी, तो इसी पर उन्होंने रिप्लाई दिया ध्रुव राठी। तो चलो गाइस, अब हम बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी के एक्सपोक्स किए गए या उनको ट्रोल किया गया, तो उन्होंने ध्रुव राठी ने रिप्लाई दिया कि मैंने एक चैनल पर फोरकास्ट आउट हुआ है जहाँ पर वो सभी चीज़ों को रिप्लाई देते। तो उनसे पूछा जाता है कि जब से वो राजनीति या पॉलिटिक के वीडियो डालने लगे तो उनको बहुत ज़्यादा हेट भी मिला और बहुत सपोर्ट भी मिला देखा गया है। तो आप बता दें उनसे जब राजनीति वीडियो डालते तो कहते कहने लगे कि आप इटली में रहते हो और यहाँ देश की बातें देश के ऊपर वीडियो बनाते। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए इनके मेरी बातों का जवाब नहीं होता है और मैंने किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी राज पॉलिटिक से मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरे ऊपर जरूर है, तो मैंने किसी ना ही मेरे परिवार किसी राजनीति में। तो और उन्होंने ऐसा कहा और एक और रिप्लाई आया कि उन्होंने जनरल सेवा पट भी कहा जाता है, तो उस पर भी रिप्लाई देते हुए कहा कि फिर से वही बात की उनकी उनको बोलने के लिए मेरे ऊपर कोई जवाब नहीं है। तो उनको जनरल सेवा सुभाष चंद्र बोस भी जन्म में रहकर देश के लिए बहुत सारे काम किए थे, तो उन्होंने भी जनरल बोला जाए ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने भी एक
ऑस्ट्रेलिया ले आए हो किसी और लड़की से शादी की, तो उस पर भी क्या कहेंगे ये लोग। तो आपको बता दीजिए, ध्रुव राठी की अभी वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उस पर ध्रुव राठी के सब फैन के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला गया था, वो बहुत ज़्यादा शेयर किया गया था। तो आप इस वीडियो को व्यूज देख सकते हो, 25 मिलियन के लगभग व्यूज जा चुके हैं, लाइक मिलियन में से। तो आपको बताइए, ध्रुव राठी को वीडियो लाइन